अंतर्राष्ट्रीय मेल महिला के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे दूसरे सांसद जी भी किसी भी समय पधार सकते हैं, श्री नागर जी उनके मैं प्रत्याशा में, एमएलसी श्री श्री श्रीश चंद शर्मा जी, हमारे विधायक जी विधायक जेवर जी, विधायक नोएडा जी, विधायक श्री तेजपाल नागर जी भी किसी भी समय ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला शक्ति जिनके तत्वाधान में आज का पूरा महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक मिशन शक्ति पहले से उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में महिला शक्ति को समर्पित जो हमारे 9 पिंक टॉयलेट्स ग्रेटर नोएडा में बनने हैं, उसमें से प्रथम पिंक टॉयलेट की आज यहाँ पर शिलान्यास आप सबके कर कमलों से होगा। इस अवसर पर मैं पूरे ग्रेटर नोएडा की महिला शक्ति को महिला दिवस पर उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा। ग्रेटर नोएडा शहर के जो मालिक हैं वो इस शहर के लोग हैं, और इस शहर के लोगों के जो मालिक हैं वो यहाँ की महिला शक्ति है, अर्थात जो इस ग्रेटर नोएडा औद्योगिक शहर के असली मालिक, उन सब की प्रेरणा से ग्रेटर नोएडा शहर द्वारा कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें ग्रेटर नोएडा एक जो एक फ्यूचरिस्टिक शहर के तौर पर इसकी जो प्लानिंग हुई थी उसमें से मैं आज इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए 2-4 मिनट में इस प्रकार से ग्रेटर नोएडा शहर में इसको उस फ्यूचरिस्टिक शहर की परिकल्पना को पूरे करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं बताना चाहूँगा। ग्रेटर नोएडा की इसको एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए सभी प्रकार की प्लानिंग, सभी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर मौजूद था। केवल एक चीज़ जो यहाँ पर कम थी वो एक एयरपोर्ट, यदि हम दूसरे शहरों से कंपेयर करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके कर्मठ व्यक्तित्व से यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सबका उसमें बहुत ही जो असली योगदान जमीन पर रहा है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के तौर पर हमें डॉक्टर महेश शर्मा जी का, विधायक जेवर जी का, विधायक नोएडा जी का, और मुझे स्वयं ये गौरव महसूस हुआ कि उसका जब सिलेक्शन हो रहा था उस सिलेक्शन समिति में पार्टिसिपेट करने का, तो वो एक कमी थी, वो एक जेवर एयरपोर्ट के तौर पर पूरी हो गई है। तो उससे ग्रेटर नोएडा एक पूरे भारतवर्ष में केवल एक ऐसा शहर है जो 3-3 एयरपोर्ट से एक तरह से आच्छादित है, दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा हिंडन एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। उस कड़ी में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, डाटा सेंटर की आप देख रहे हैं कि हम लोग कैपिटल बन रहे हैं, एक डाटा सेंटर 6,000 करोड़ का, एक दूसरा डाटा सेंटर 1,500 करोड़ का यहाँ पर मंजूर हो चुके हैं। 3 और डाटा सेंटर के साथ हमारी बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अगली जनरेशन जो नया जमाना है उस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। मोबाइल की हब, क्योंकि ये औद्योगिक शहर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए इसे स्थापित किया गया था, कहीं पर बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ था पर कहीं पर बीच में हम भटके, परंतु अब पिछले 3-4 वर्ष से जो निवेश की यहाँ पर अपेक्षाएं थी वो पूरी होती जा रही हैं। पहले साल जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है लगभग 7500 करोड़ के, अगले साल 9000 करोड़ के, और इस वर्ष हम अभी तक 8,005 करोड़, कोविड होने के बावजूद 8,005 करोड़ के प्रपोजल आ गए हैं, जिसमें हम 2 भारत सरकार के प्रोजेक्ट जो 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें 3,884 करोड़ द्वारा का ग्रेटर नोएडा में भारत सरकार द्वारा और लगभग 15,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और जिसमें लगभग 1,00,000 का निवेश सृजित होगा। इस प्रकार से जो निवेश की गति को जिस प्रकार से अपेक्षा थी, जो शुरू से जिस मकसद से सेटअप किया गया था, वो इसका एक्चुअली पोटेंशियल अब पूरा हो रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से हमें माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिस प्रकार से हमें सुझाव दिए जाते हैं कि इन चीज़ों में हम कहीं पर कमी रह गई है, उसको देखते हुए हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा के लिए लगभग 10-12 कंसल्टेंट ऐसे हायर किए जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों तरह की प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कि 1 साल के अंदर इमीडिएट क्या प्रॉब्लम निस्तारित की जानी है, 1 से 3 साल, 3 से 10 साल, वो आज इस प्रकार से लगभग 12 से 15 कंसल्टेंट उस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। ये उसी की एक कैटेगरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में
हमने अर्नेस्ट एंड यंग को एक हायर किया था, उसमें लगभग 9 कंपोनेंट हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे जो 124 गांव और 111 सेक्टर्स, उनमें पूरी तरह से व्यवस्था, लगभग एक जैसी व्यवस्था सब जगह से, ताकि ये ना हो भी गांव में अलग तरह की व्यवस्था, शहर में अलग तरह की व्यवस्था, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था है या मैकेनिकल स्वीपिंग की व्यवस्था है या हमारी मैनुअल जो स्वीपिंग की व्यवस्था है। उसमें सॉलिड वेस्ट में हमने सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज करके कई पोर्शन में बांटा है। सीएनडी वेस्ट आप देख रहे हैं, कई सालों से यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पर सीएनडी वेस्ट जनरेट हो रहा था, परंतु सीएनडी वेस्ट को रिसाइकल करके उससे इकोनॉमी से दूसरे प्रोडक्ट जनरेट करना, इंटरलॉकिंग टाइल से लेकर हर चीज़ जनरेट करना, वो हम पिछले एक महीना पहले अवार्ड कर चुके हैं। 3 महीने के अंदर वो पूरी व्यवस्था को लागू करेगा, पूरा सीएनडी वेस्ट जितना पिछले सालों का है उसको एक जगह पर जहाँ पर उसका प्लांट लगना है उस प्लांट में ले जाएगा और 16 सेंटर पूरे शहर में स्थापित करेगा जहाँ से वो सीएनडी वेस्ट उठाकर उस जगह लेकर जाएगा। फ़ोन पर हर सिटीजन को पावर होगी कि उसके घर बन रहा है उसका मलबा है, फ़ोन पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि मेरे यहाँ से वो मलबा उठा लिया जाए। रेमिडिएशन, जो हमारा इतने साल का कचरा, लगभग 25 साल का कचरा जो लखनावली में है, उसका रेमिडिएशन के उसकी प्रोसेसिंग करके उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। आरडीएफ में हमारा एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट तैयार है, एनटीपीसी की इन प्रिंसिपल अप्रूवल आज या कल किसी भी समय आ सकती है, लगभग पिछले एक साल से हम उनके साथ व्यवस्था किए हैं। तो उस कचड़े से जो आरडीएफ निकलेगा उससे बिजली पैदा होगी, वो भी व्यवस्था पूरी तरह से, एक तरह से वो टेंडर हमारा कल उसकी लास्ट डेट थी, 3 बिट आए हैं, हम अगले 10-15 दिन में उसको अवार्ड कर देंगे। गांव में हमने जब उसको स्टडी किया कि गांव में कई जगह, क्योंकि लोगों के पास दुधारू गाय भैंस होती हैं, उसमें गोबर को कई बार नाली में बहा देते हैं, उसके लिए हमने पूसा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है सर, लगभग 1.5 करोड़ का पहले प्रोजेक्ट में हमने कहा 20 गांव में हमें 10-10 लगभग गोबर गैस प्लांट लगा के दिखाएंगे, जिससे उससे गैस जनरेट होगी। उसको हमने गौशाला, जो हमारी जलपुरा गौशाला में पिछले महीने से सक्सेसफुली चला दिया, उसमें इतनी गोबर गैस अच्छी बन रही है, अभी हम उसको इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, परंतु हमने सोचा है बहुत ही नॉमिनल दर पे, हम लगभग 20-50 रुपये महीने की दर पे हम आसपास के घरों में शायद उसको सप्लाई कर दें, उसको हम जो है जलपुरा गौशाला में।